कॉन्ग्रेचुलेशन लियोनेल मेसी टू इन बैलेंडियार। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं है, 8 बार, 8 टाइम चैंपियन हुआ है बैलेंडियार, जीत चुका है लियोनेल मेसी। बहुत बढ़िया, जितना तारीफ करो उतना ही कम है। गोट तो है ही है, लेजेंड भी है, सब कुछ। मानो फुटबॉल का जो गॉड होता है ना, वो है लियोनेल मेसी। सच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, ये दोनों ने बहुत बढ़िया फुटबॉल खेला है, बहुत बढ़िया फुटबॉल का जो नाम रोशन किया है, बहुत बढ़िया। हमेशा रोनाल्डो और मेसी बैलेंडियर की लिस्ट में एक या दो में रहता था, लेकिन 2022 में जो अकेला दम पे विश्व कप जिताया ना लियोनेल मेसी, उसके बाद मानो बैलेंडियर तो उसका ही था। हाँ, उसका आसपास जो था किलियान एम्बापे और अर्लिंग हॉलैंड, हॉलैंड भी बहुत बढ़िया खेला था उस सीजन में। किलियान एम्बापे भी बहुत बढ़िया खेला था, किलियान एम्बापे भी फ्रांस को फाइनल में उठाया था अकेला दम पे। लेकिन अगर फ्रांस जीत जाता तो किलियान एम्बापे बैलेंडियर ले लेता, लेकिन वो जो फाइनल में अर्जेंटीना के लिए मेसी जो कुछ किया ना, बहुत बढ़िया खेला था उस रात, अकेले के दम पे विश्व कप जिताया, जो सपना था मेसी के लिए, जो एक कप के लिए मेसी का कैबिनेट में हर एक कप था सिवाय एक कप के अलावा, लेकिन वो भी अर्जित कर लिया था। अगर मेसी वर्ल्ड कप नहीं जीतता ना, तो इस वर्ल्ड कप का अपाप्ति रह जाता, वर्ल्ड कप पूर्ण नहीं होता है। बहुत बढ़िया खेला, बहुत बढ़िया सीजन चुका था। पेरिस सेंट जर्मन के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया 2022 में, लेकिन वो जो वर्ल्ड कप में जो कुछ किया उन्होंने, गोल्डन बॉल, सब कुछ, मतलब क्या कमाल का खेला था, बहुत बढ़िया। और उसका पुरस्कार स्वरूप ये बैलेंडियर जीता है। हाँ, यही लास्ट आखिरी बैलेंडियर है लियोनेल मेसी के लिए, क्योंकि लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों ही यूरोप छोड़ के चला गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी चला आया और लियोनेल मेसी अमेरिका चला गया। तो इसके बाद जो यूरोपियन बैलेंडियर यूरोपियन टीम से ही दिया जाता है, और मुझे लगता है इसके बाद तो या अर्लिंग हॉलैंड जीतेगा या किलियान एम्बापे जीतेगा, क्योंकि नेमार भी चला आया सऊदी में, तो उनको भी मौका नहीं है। तो ये जो किलियान एम्बापे और अर्लिंग हॉलैंड, ये दोनों का अब लड़ाई चलेगा, जैसा पहले चलता था रोनाल्डो और मेसी के साथ, ऐसा ही होगा फुटबॉल विश्व वर्ल्ड, ऐसा ही हॉलैंड और एम्बापे का लड़ाई देखने के लिए आप बहुत उत्सुक रहेगा। बहुत बढ़िया न्यूज़ है, सुबह सुबह ये न्यूज़ सुनकर बहुत बढ़िया, खुश, दिल खुश हो गया। मेसी के लिए गर्व होता है, बहुत बढ़िया खेलता है। कंग्रेचुलेशन मेसी।